मोदी तब आया, जमीन तो वह पहले से, मंदिर तो हमारा पहले से बनाया है। गड्ढे में तो भाजपा ले जा रही है और कौन ले जा रहा। मोदी काल बैठ के उस पर प्रधानमंत्री बैठ कर लोगों के गले काटता फिरे, मंदिर ढाता फिरे, हमारे समाज को दबा कुचला जा रहा, हम इससे बिल्कुल नाराज है। हमारे भी तो बच्चे, उनके माँ बाप का सर हो रहे, खाते ना पीते, क्या सजा दे दी सुने, ऐसा ही हुआ प्रधानमंत्री। जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं कुछ कह पाएगा तो हम जैसे की क्या ताकत होगी। वो सामने कैसे नहीं आता, झूठा है ना, चोर है, एक डकैत है, जनता के गले काट रहा है। अगर यह मंदिर नहीं बनवाएगी तो हम इसके विरोध में जाएंगे। हमारी जगह वो दे दी जाए और हमारे आत्माओं को ना सताया जाए, क्योंकि हम मोदी के साथ रहे हमेशा, मोदी को इलेक्शन में हमने जिताया। हम तो हाथ जोड़ रखा कि हमें अपनी जगह पूरी चाहिए, हम लड़ाई नहीं चाहते, शांतिपूर्वक चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि मोदी वैसे ही जीत का आ गया है, हमने जिताया। नहीं, आंदोलन तो जब तक नहीं थमेगा जब तक गुरु रविदास का मंदिर वहीं पर नहीं बनेगा। वो बीजेपी से हम खुद जब ही होंगे, जैसे हम इसके साथ लगे या हमारे साथ लगो। सुप्रीम कोर्ट भी उनको पूछे कि आखिर तुम हो क्या, ये भी तो हमने चुन के भेजे थे। हम तो जो हमारा मंदिर था जी, हम उसको ही चाहते हैं, जो हमारा मंदिर तोड़ा है उसको ही मंदिर को चाहते हैं जी। हम तो मर जाओ तो मिट जाओ, मंदिर बनवा कर रहेंगे जी, और पूरी जगह लेंगे जी। कम नहीं ले, कुछ भी बत्ती ले सकते हैं जी, बत्ती जगह ले सकते हैं, कम भी ले, कुछ भी नहीं ले जी, चाह मर जाओ। सरकार तो कहती है आपको बस 200। नहीं जी, हम क्या करेंगे 200 गज का, हमें क्या, हम दो ईंट धरनी, हम तो पूरा लेंगे जी, एक किच बत्ती ले सके। मेरी संगत बहुत है जी, मेरी संगत बहुत, वही समाधि लानी फोड़ो, मजा आज तई अजमा का देख लो, पर वहाँ पूरी सिकवा लेंगे हम तो, जितना हमारा मंदिर की जगह थी। लेकिन मोदी जी कहाँ मान रहे हैं? मोदी नहीं मान रहा, मोदी हमारे सामने आने को कहो, या तो फिर हम तो मानना का नहीं, फिर जुलूस पूरा निकालेंगे तो मर जाओ, हम मर मिट जाएंगे। हमारी जमीन है जी, वहाँ मोदी की नई जमीन है, वहाँ हमारे गुरु की जगह है, हमारी नहीं है, वहाँ हमारी हमारे गुरु की जगह है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके चरणों में है जी। जमीन तो वह पहले की है, मोदी तब आया, जमीन तो वह पहले से, मंदिर तो हमारा पहले से बनाया है, मंदिर तो हमारा पहले से बनाया है ना, पूरी जगह चाहिए जितनी है, पूरी चाहिए, और मंदिर वहीं बनना चाहिए। हर जगह कर रहे हैं जी, ये तो हर जगह कर रहे हैं, ये तो दुनिया का घर जाते फिर जनता के, ये तो जनता का घर जाते फिर है, बना के तो क्या देंगे, तो ढा दिया इन्होंने तो मकान काट दिया जनता का। हम तो मर मिट जाओ जगह उतनी लेंगे, एक दो गज बत्ती ले सके। आप मानेंगे नहीं? नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना, चाहे मैं जेल काटनी हो तो मैं जा दीजिए, मैं भेज दो, पूरी जगह लेंगे, पूरी लेंगे। 40 करोड़ जनता है हमारी, हम होते हैं पूरी जगह लेके, माना हमारे 40 करोड़ जनता है, हम कहाँ बिठाएंगे अपनी जनता को, 200 वर्ग मीटर में कैसे आ जाएंगे हमारी जनता इतनी है ना। तो हम तो हाथ जोड़ रखा कि हमें अपनी जगह पूरी चाहिए, हम लड़ाई नहीं चाहते, शांतिपूर्वक चाहिए हमें जगह, मंदिर को तोड़ जाओ, तो जो आस्था की जगह है वो तो सबके थे, एक हमारे थोड़े थे, सबके थे, मतलब किसी भी जाति में कोई भी महान आत्मा आ जाती हो, सबकी हो, किसी एक की नहीं होती हो। मैंने एक बार लिख कर देना चाहा तो मीडिया वालों ने कहा कि जी आपकी तो क्या ये रिपोर्ट देंगे पेपर में, ये जो पार्टी है जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है, लोकदल है, बहुजन समाज पार्टी है और TNC है, इनकी नहीं रिपोर्ट देते। तो मेरा मतलब ये है कि आप हमसे ये तो पूछना चाह रहे हैं कि आप तुगलकाबाद मंदिर के बारे में क्या चाहते हो। हम मंदिर के बारे में चाहते हैं कि ये सिकंदर लोधी का दिया हुआ है, 12.5 हेक्टर ज़मीन है, 37.5 बीघे ज़मीन हमको चाहिए और आज का नहीं। और जिनने भी इसके प्रति अब तक ढुलमुल रवैया अपनाया है, जो वहाँ कमेटी रही है या कोई अन्य लोग रहे हैं, वो आज तक उनकी भी नहीं चलने की। हम आग्रह करते हैं मोदी सरकार से कि हमें जो है हमारी जगह वो दे दी जाए और हमारे आत्माओं को ना सताया जाए, क्योंकि हम मोदी के साथ रहे हमेशा, मोदी को इलेक्शन में हमने जिताया, ऐसा नहीं कि मोदी वैसे ही जीत का आ गया है, हमने जिताया, हमने तन मन से दिया। और अब भी उत्तर प्रदेश में हम बहुजन समाज पार्टी को नहीं वोट दे रहे, अब भी बीजेपी को देंगे, लेकिन बीजेपी को हमारी सुननी चाहिए जब उनके हमदर्दी बन रहे हैं, क्योंकि हमें यह पार्टी अच्छी लगी है। अगर यह मंदिर नहीं बनवाएगी तो हम इसके विरोध में जाएंगे, अगर हम ये मंदिर नहीं बनाएंगे तो हम विरोध में जाएंगे, हमेशा रहेंगे, जेल भी जाएंगे और जेल भी काटेंगे। और ये सुनो, हिंदुओं के मंदिर और क्यों नहीं टूट रहे, उनकी क्यों नहीं जगह, हिंदुओं के मंदिर और भी है, वो भी अवैध है, लाल किला किसी का प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो बादशाहों के टाइम की है,
और जो है जामा मस्जिद बिलाल के टाइम की है, अन्य इमारतें बहुत है, मंदिर यहाँ से गिरजाघर भी है जो ये छोड़ के गए। आज इनकी पॉलिसी क्या हो रही कि भाई अपने नाम कर लो, जैसे लोकनायक हॉस्पिटल है इसको भी एड देनी बंद कर दी। आज समाज को टारगेट किया जा रहा है ये कह रहे हैं आप? हमारे समाज को दबा कुचला जा रहा, हम इससे बिल्कुल नाराज है, मतलब पार्टी से बीजेपी से, बीजेपी से हम खुश जब ही होंगे जब हम इसके साथ लगे या हमारी साथ लगो। हम मजदूर तबके के आदमी हैं, हमारे जो है लड़के हैं वे भी मजदूर तबके के आदमी हैं, हमारी जो है जाति बहुत गरीब है, आज तक नहीं उठी क्योंकि इस बड़ी नाक वालों ने हमें इतने दबा दिए कुचल दिए गए हैं कि जो आज तक हमारा समाज नहीं उठ पा रहा, और अब भी हम पे ये तीर चलाए जा रहे हैं, चाहे रविदास मंदिर के नाम पर चलाए जाओ या समाज को प्रताड़ना के नाम पर चले जाए। यूपी में भी इसी तरह से आज जो है मैंने पढ़ा है कि ये आरक्षण में जो हमारे मैनेजमेंट के स्कूल है उनमें जो है छात्रवृत्ति बंद कर रहे हैं, इनकी ये पॉलिसीज बहुत घटिया किस्म की, इस तरह से ये देश गड्ढे में चले जाएगा। भाई ये बाहर के आए हुए हैं और बाहर के आकर के इस देश को मैं शासन कर रहा हूँ। गड्ढे में तो भाजपा ले जा रही है और कौन ले जा रहा, भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज जाए जो यूपी में जाए उन्होंने जाए निजीकरण कर रहे हैं, तो जब ये निजीकरण कर देंगे शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा, एक शिक्षा ही तो माध्यम है गरीब आदमी का, जब शिक्षा ही छीन ली जाएगी तो फिर क्या होगा, जहाँ आप 10,000 रुपये फीस है वहाँ 1,00,000 हो जाएगी, कहाँ से लाएगा गरीब आदमी, तो गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ेगा नहीं। लेकिन मेरा इसके साथ साथ ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि उसमें जो है सभी के जो है न्यायप्रिय मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि वो 200 गज का प्रस्ताव कैसे मान रही है, जब हमारी है तो 32 बीघे जमीन और वो 200 गज पे कैसे उन्हें प्रस्ताव भेजा, इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये देना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी उनको पूछे कि आखिर तुम हो क्या, ये भी तो हमने ही चुन के भेजे थे, ये सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के कहने पे काम कर रहा नहीं, कहने पे मैं ये नहीं कह रहा कि कहने पे काम कर रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस विषय में हस्तक्षेप तो करना चाहिए कि तुम उनकी 32 बीघे जमीन लेके 200 गज का प्रस्ताव कैसे भेज रहे, इसके लिए तो उनको ताड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम पावर है ना, जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं कुछ कह पाएगा तो हम जैसे की क्या ताकत होगी, सुप्रीम कोर्ट तो मान सकती है, ये ऐसा थोड़े कि मोदी उन सब पर हो गए या गवर्नमेंट उन सब पर हो गए, ऐसा तो नहीं है, तो लेकिन ऐसा क्यों चल रहा है, गरीब आदमी को टारगेट क्यों किया जा रहा है। नहीं आंदोलन तो जब तक नहीं थमेगा जब तक गुरु रविदास का मंदिर वहीं पर नहीं बनेगा, वो जगह पूरी नहीं दी जाएगी, तब तक थमने का कोई मतलब ही नहीं होता। 200 मीटर की जो बात की जा रही है उस पे हम नहीं मानने वाले, कोई सवाल नहीं, 200 नहीं हम 2,000 मीटर पे भी नहीं मानने, हमें 32 बीघे चाहिए पूरी, जितनी है वो उतनी चाहिए, भाई उनके इनके घर की थोड़ी जमीन है वो तो जो है हमारी है, निजी जमीन है, ये कौन है हमें देने वाले, हमारी है वो हम पूरी लेंगे, हम थोड़ा इनके नहीं, हम नहीं मांगे, हमारी जमीन है, मेरे दादा लाई जमीन है वा, मेरे दादा का जमीन है वा, हमारी नई जमीन है वा, तो हम तो उसके पोता पोती हैं, उसके चरणों में सेवा करने वाले हैं, हम तो सेवा कर सके हैं, और मोदी काल बैठ के उस पर प्रधानमंत्री बैठ कर लोगों के गले काटता फिरे, मंदिर ढाता फिरे, अपना मंदिर क्यों नहीं ढाया, अपना घर क्यों नहीं ढाया उसने, हमारा क्यों ढा दिया उसने, मारा कौन था, क्यों काट लिया उनने, हमारे बच्चे कितने परेशान हो रहे, तीसरा चौथा महीना चल रहा, हम तो खाते पीते भी ना था, मर जाओ हम तो सारी लेंगे जमीन वा, सारी जमीन लेंगे हम तो मर मिट जाओ, हमारा पैसा उस पर तो पैसा मांगे हम, वो तो सरकार का पैसा है, हम तो अपने आप कर लेंगे, हमारी सारी जमीन देनी चाहिए उसे, और लिख कर लेंगे इस्लामी कागज पे, उनकी हालत कितनी खराब हो रही, हमारे भी तो बच्चे हम उनके माँ बाप कैसे रो रहे, खाते ना पीते, क्या सजा दे दी सुने, ऐसा ही हो प्रधानमंत्री, ऐसा ही हो प्रधानमंत्री, वो तो बहुत नीचे आदमी सामने क्यों नहीं आता हो, हम तो मर जाओ तो मिट जाओ, लुकता क्यों फिरे, दिल्ली में भी नहीं पाता जाती में फिरे, घूमता फ्री का सवारी है ना, फ्री का पेट्रोल चल रहा, अपने तो रिक्शा में बिना बच्चा को दी, रिक्शा में बिना बच्चा जहाज में घूमता है वो सामने कैसे नहीं आता जी, हमारी जनता सारी सामने आ रही, जनता का फीस हमारी कमाई में, हमारे बच्चों के कमाई में, हमारे बच्चों के कमाई में आनंद ले रहा, और उन्हें बच्चों को जेल में डाल रहा, वो सामने कैसे नहीं आता, झूठा है ना, चोर है, एक डकैत है, जनता के गले काट रहा है। अच्छा ये मानिए कि मोदी अगर आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम उसको आरती तारेंगे, आरती तारेंगे उसकी, हम हमारे सामने तो आकर देखो, अन्य हमें बुलाओ, हम जहाँ हम उठने वाले नहीं, आज ही बुलाओ, हम तो प्यार तक कहेंगे, खुद की दुश्मनी काट रहा हमारी, हमारे बच्चों की क्या दुश्मनी काट रहा, हमारे बड़े की क्यों मंदिर ढाती, और की क्यों नहीं ढाई, उसकी पर रविदास थी,
उसकी शक्ति तो दुनिया बस रही है, जनता उसकी शक्ति तो चल रही। हाँ, बेईमानी में चल रहा, बिल्कुल बेईमानी में चल रहा, बेईमानी में।